गुजरात से लोग आए थे, भागवत कथा करा रहे थे, लाइन काट दिया, पानी काट दिया। सारे कागज हमारे पास हैं, हम आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ इसलिए उत्पीड़न हो रही कि हम एक साथ अकेले मुसलमान हैं। होटल हमारे पिताजी के नाम से और हमारे भाई के नाम से है। लाइसेंस भी हमारे होटल का पास है। हमारा एक होटल का नक्शा 1999 का है, दूसरे होटल का नक्शा 2012 का है। 2014 में ग्रीन बेल्ट निर्धारित हुई। आपने खुद लिख के दिया कि ग्रीन बेल्ट के अंदर जो भी मकान आएगा उसको अपना अब उसकी ये कॉपी है, ये जोनल महोदय साहब की है। उसके बावजूद आपने जो है हमको अपना कहा कि नहीं, आप अपना नक्शा नहीं पास होगा कि आपका रेजिडेंशियल है। हमने कमर्शियल कराने के लिए अपना इनके यहाँ दरखास्त पर दरखास्त दिया और उसके बाद जो है आज हमारे होटल को तोड़ने आ रहे हैं। कल रात 26 को इन्होंने एप्लीकेशन दिया। रात को नौ बजे इन्होंने हमको 9:30 बजे एप्लीकेशन दिया कि अब आप कोई नई बुकिंग नहीं करेंगे। और अभी यही था, आज होटल तोड़ने की पूरी टीम बना के बाहर खड़े हैं। आपको रात में आदेश प्राप्त होता है पिछली रात में और आज के दिन, मतलब यानी अगले दिन ही तोड़ने का ये आदेश मिल जाता है। जिस तरह से अब मेरी लाइन भी काट दी गई, जबकि मेरी बिल अप टू डेट जमा है, मेरे हाउस टैक्स अप टू डेट जमा है। सारे कागज हमारे पास हैं, हम आपको दिखा देते हैं। और उसके बावजूद होटल को तोड़ने की, हम ग्रीन बेल्ट में हैं। उस वक्त ये हुआ था ग्रीन बेल्ट में आपका जो है 2014 के पूर्व का नक्शा पास है, इसलिए इसको समनिंग किया जाएगा। आज सरकार माननीय योगी जी ने खुद कहा कि 1000 स्क्वायर फीट के रेजिडेंशियल अगर जमीन है या मकान है तो उसको कमर्शियल किया जाएगा बहुत ही कम सबन शुल्क के साथ। नक्शा कब पास कराया था? 1999 में। अच्छा, और 2012 में। अच्छा, दोनों होटलों का आपने नक्शा पास कराया? नक्शा पास कराया, लाइसेंस भी लिया। तो ये जो घटना हो रही है, लाइसेंस प्राप्त होने के बाद भी आपको इस तरह की जो घटना रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि आपको समय नहीं दिया गया। नहीं, हमको एक तो समय नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ इसलिए उत्पीड़न हो रही कि हम एक साथ अकेले मुसलमान हैं इस ट्रेड के अंदर। और हमारे यहाँ हम साल में 12-13 भागवत कथा और शिव पुराण होती है। हम बहुत ही कम पैसे में भागवत कथा शिव पुराण कराते हैं और लोग गुजरात से आते हैं। अभी हमारे यहाँ गुजरात से लोग आए थे, भागवत कथा करा रहे थे, लाइन काट दिया, पानी काट दिया, जिसकी उन लोगों ने नोटिस भी हमको दिया क्या। और लाइन काटना, बिजली काटने के बाद 23 तारीख को नोटिस दे रहे हैं और 21 तारीख को लाइन और पानी काट दिया।